आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें सी न्यूज चैनल के चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल को प्रेस करना ना भूले थाना डौकी क्षेत्र का पीड़ित दिव्यांग परिवार न्याय की उम्मीद को लेकर एस एस कार्यालय पहुंचा पीड़ित परिवार का कहना है कि दर्ज बलात्कार के मुकदमे में आरोपी के परिवार जन दबाव बना रहे हैं समझौता न करने पर परिवार को जान से मारने की भी धमकी दी जा रही है थाना पुलिस द्वारा सुनवाई न करने पर थाना डॉकी क्षेत्र का पीड़ित दिव्यांग परिवार न्याय की उम्मीद को लेकर एसएसपी कार्यालय पर पहुंचा। जिला मुख्यालय पर आई पीड़ित परिवार का कहना था कि थाने पर उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है पीड़ित सत्यवती का कहना था कि विगत दिनों सात साल की बच्ची के साथ गाँव के ही रहने वाले धनिंद्र राजेश ने दुष्कर्म किया था दर्ज बलात्कार के मुकदमे में आरोपी के परिवार राजीनामे का दबाव बना रहे हैं तो मेरी बच्ची मुझे ढूंढते ढूंढते मुझे छः बजे गए तो बच्ची मेरी मिल ना रही मैं रोवे लगी घटना रो रोते रोते मुझे छः बजे गए तो मेरी बच्ची ना मिली तो बच्ची मेरी आई बच्ची हम इसके हुआ था बच्ची के साथ रेप हो गया है हाँ। बच्ची के गोड़ भी कर रहे सब रहे खूनन में भी कर रही खूनन में तो मैं रो राजेश ने पुलिस की थी आपने? हाँ पुलिस बुलाई हमने तो मुकदमा लिखा गया हाँ मुकदमा लिखा है हाँ गिरफ्तारी हो गई तो मुझे मुझ से डाल रहे हैं राजीनामा कर राजीनामा कर न तो ही मारेंगे हम अब तो क्या चाहते, है मैं चाहते हैं मैं ये चाहती हूँ मेरे मेरी लड़की का रेप हो गया है बिश को मुझे कछु न्याय चाहिए मुझे मैं किस लिए ठाड़ी हूँ मेरी बच्ची के संग में घटना आई है सात साल की बच्ची है बीस संग इसके कारण मुझे कछू न्याय दिबा पुलिस के पास गई मैं तो में मुझे गाल पर पा चांटा पांटा मारा के तो नहीं, नहीं। आ, पुलिस वाले ने तो क्या कह रहे हैं नो कह रहे हैं। मैंने कि मुझे कछु तो स्वाद दो तो मैं बिस, बिस के लिए क्या लड़ूंगी आगे मेरी बच्ची के साथ रेप हो गया है कछू तो मुझे सबूत दो मेरा नाम महकुराम है मैं रहने वाला तो डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर का रहने वाला हूँ मेरी बहन है ये ये भांजी है अब इसके साथ में रेप हुआ चौदह जनवरी को कम से कम बीस जनवरी को मुझे पता पड़ा धीरे धीरे पता पड़ा तो मैं वहाँ आया आने के बाद में मैंने देखा मैंने क्या घटना हो गई क्या बात है मैं यहाँ कोई सुम से नजर आ रहा है तो देखा कि हाँ मेरी रो रो के पागल हो गई और थाने में जाती है थाने वाले धमकाते हैं कि तू क्यों, क्यों जाती है वहाँ और जेल जा चुका। हाँ वो जेल जा चुका है उसके परिवार वाले धमकी दे रहे हैं बहुत कि हम तेरी लड़की को मार देंगे तू नहीं तो फैसला कर ले इतना और ये आरोप लगा रहे हैं कि कि इसने हमसे पैसा लिया है इस वजह से रंजीसन हम पे ये है मुकदमा लगवा रही है हम पे ये केस लगवा रही है ये है है पीड़ित परिवार का कहना है कि समझौता न करने पर दबंगों द्वारा परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही है थाना स्तर पर सुनवाई न होने के कारण पीड़ित परिवार न्याय की उम्मीद को लेकर एसएसपी कार्यालय पर पहुंचा है पीड़ित परिवार ने अधिकारियों से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई है सी न्यूज़ के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट